एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त नीता। तो दोस्तों, आज मैं करने वाली थी अपने स्किन की डीप क्लींजिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डलनेस आ गई है। रंग आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ना डल लग रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने नई जॉब स्टार्ट की है और 2 वीक से इतना ज्यादा शेड्यूल बिजी हो गया है कि प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो रही है और उसके साथ साथ मैं स्किन के रूटीन नहीं कर पा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नया मेहमान भी आ गया है और स्किन का हाल तो आप देख सकते हैं। तो आज मेरा डे ऑफ था और मैंने बहुत खूब सारी नींद ली है और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने फेस को, अपनी स्किन को अच्छी तरह से जो है ना क्लींजिंग कर लूँ। और मैं करने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताइए कि जो हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आए। तो दोस्तों, ये जो क्लींजिंग है ना, जो मैं आपके साथ आज का फेशियल शेयर करने वाली, एक फेशियल है जो कि आप घर पे कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी सा ग्लो देगा, आपके दाग धब्बों को, ऑयली स्किन को, सन टैन को मिटा के बहुत ही डीपली आपकी स्किन को जो है नरिश करेगा, क्लींजिंग करेगा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा डलनेस है, और जब मैं इसको कर लूंगी उसके बाद ग्लो आप खुद ब खुद देखेगा, आपको खुद ब खुद लाइव रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों, अमेजिंग है, हफ्ते में एक बार करने से आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे पहले हम करेंगे दोस्तों क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता होगा जो मेरा फेवरेट है वो है एक लैक्टिक एसिड प्लस विटामिन सी का क्लींजिंग, जो कि हम घर पे बना सकते हैं। लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को साफ करता है, विटामिन सी आपकी स्किन में दाग धब्बों को रिमूव करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैंने लिया है सिंपल दूध, जो हम दूध यूज करते हैं उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा लेमन का जूस। जैसे ही आप इसमें लेमन का जूस ऐड करोगे ना, तो ये दूध जो है फट जाएगा, इसमें लैक्टिक एसिड है ना जो एक्टिवेट हो जाएगा। बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें जो है ना नींबू सूट नहीं करता है, लेमन सूट नहीं करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूध ले लीजिए, दूध में आप जो है ना टमाटर का रस डाल लीजिए, उसमें भी विटामिन सी होता है, वो भी आपको सेम ही इफेक्ट देगा। दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हैं, बट इस क्लींजिंग को ना आप एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट जरूर यूज कीजिए, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ग्लोई करेगी। दोस्तों देखिए, ये पूरा खत्म हो गया, इस तरह से लगाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इससे आपको 1 मिनट अच्छी तरह से अपने फेस को साफ करना है। दोस्तों अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, आप देख सकते हैं नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो अपनी आंखों के नीचे भी आप इस तरह से इसके मसाज कीजिए। बट ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला है कि आपकी आंखों के अंदर ना चला जाए, तो इसलिए अच्छी तरह से कीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने फेस को 2 मिनट लगाकर अच्छी तरह से क्लींजिंग कर ली है और फेस के ऊपर आप ग्लो देख सकते हैं पहला ही स्टेप करने से। उसके बाद आप अपने फेस को जो है ना पानी से वॉश कर सकते हैं या फिर वेट वाइप से आपको साफ कर लेना है। दोस्तों इस तरह से, चलिए दोस्तों अब दिखाती हूँ कि आपको सेकंड स्टेप स्क्रब किस तरह से बनाना है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है चीनी, जो बारीक चीनी होती है ना, शुगर, वो आपको लेनी है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको बहुत दर्दरी जो मोटी वाली होती है ना, वो वाली नहीं लेनी है। अगर आपके पास बहुत मोटी शुगर है ना, आप उसको मिक्सी में चलाकर दर्दरा पीस लीजिए, बिल्कुल माइल्ड सा, कि आपको हल्का सा वो स्क्रब दे ना कि आपकी स्किन को डैमेज करे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं चीजें ले रही हूँ ना, कितना कितना चीजें लेनी है वो आपको स्किन के ऊपर दिख जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है हनी, अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हनी हमारी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, मॉइस्चर देता है और साथ ही साथ रिंकल्स को दूर करता है। तीसरी चीज जो मैंने इसमें ऐड की है, वो मैंने ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है दोस्तों। अभी जो चौथी चीज इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ ये जो मैंने दूध और जो मैंने लेमन डाल के एक क्लींजिंग बनाया था, वो ही मैं इसमें ऐड करूंगी। बट अगर आपको ये वाली चीज ऐड नहीं करनी है, तो आप इसमें जो है ना रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर कच्चा दूध ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो पर मैं इसमें यही वाला ऐड करूंगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा ब्राइट कर देगा। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये डाल दिया है। अभी मैं सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। आप इसको यूज करोगे ना, तो अगर आपको ओपन पोर्स है, ऑयली स्किन है, दाग धब्बे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज एक बार जरूर इस पूरे फेशियल को ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइव में आपके साथ करके दिखा रही हूँ, आप पहले और बाद में पूरा देखिएगा कितना ज्यादा आपको मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों
तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट लगाकर अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है। इसके बाद आपने फेस को वॉश कर लीजिए, नहीं तो आपने फेस को जो है ना वेट वाइप से या फिर वेट टॉवल से अपने फेस को साफ कर लीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो आपके लिप्स है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही पिंकिश हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप कर लिया है और अभी हम करेंगे थर्ड स्टेप, जिसके लिए हमें करनी होती है मसाज। मसाज करने से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये, तो ये है दोस्तों एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। यहाँ पे ठंड है तो ये जमा हुआ है और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। और दोनों ही चीजों को मैं इस तरह से अपने हाथों पर मिक्स करूंगी तो ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है ना, तो इसका वीडियो भी मैं अभी इसी वीक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि घर पे आप किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर आपको पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं या फिर ऑयली स्किन है, तब भी आप इसको जरूर यूज कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट आएगा दोस्तों। अभी मैं इसको अपने फेस के ऊपर मसाज करूंगी। जो मसाज है ना वो आपको 5 मिनट तो करनी ही है दोस्तों, 5 मिनट अपने फेस के ऊपर आपको अच्छी तरह से मसाज करनी है। और ये काफी ज्यादा बेहतरीन एक मसाजर है जो कि बहुत ही ज्यादा जो है ना इसमें केमिकल्स नहीं है और ये बहुत ज्यादा नेचुरल है। और इसको अपनी आंखों के ऊपर भी जरूर यूज कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा, आंखों के डार्क सर्कल जो होते हैं ना वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाज कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको मैं एक टिश्यू के हेल्प के साथ ना सारा साफ कर दूंगी। अपने फेस को आपको वॉश नहीं करना है, बस जो एक्स्ट्रा होगा ना वो आपको इस तरह से साफ कर लेना है दोस्तों। दोस्तों पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बाद आपको लेना है ये, तो दोस्तों ये है कैम्फर यानी कि कपूर, जो कि हम मंदिर में यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। अगर आपके एक्ने पिंपल्स है ना तो वो खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक्ने होने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। काफी ज्यादा बेहतरीन है, वीक में 1 से 2 बार आप इस पैक को जरूर यूज कीजिए अगर आप चाहते हैं अच्छी रिजल्ट। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें तो आप पहले पैस टेस्ट कर लीजिएगा उसके बाद यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, उसमें मैंने 1 कपूर की ये देखिए इस तरह की गोल टिक्की ले ली है, छोटी है। अभी मैं इसको हाथ से ही इस तरह से क्रश कर लूंगी, बहुत इजिली ये क्रश हो जाता है, देखिए दोस्तों इस तरह से। अब मैंने इसको क्रश कर लिया है, मिक्स कर लूंगी। अभी मिक्स करने के लिए इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। बस तीनों ही चीजों को मिक्स करना है और आपका जो है ना बहुत ही बेहतरीन वाला एक पैक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको आप ब्रश के साथ या फिर हाथों के साथ पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिए। तो दोस्तों इस पैक को ना आप अपने हाथों पैरों के ऊपर, अपने नेक के ऊपर भी ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपकी सन टैन को रिमूव करेगा और स्किन को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। इस पूरे फेशियल को एक बार यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद फेस को आपको वॉश कर लेना है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप आपको लेना है विटामिन सी का आपको सीरम लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को रिमूव करके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए।